उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आजम खान पर एक और शिकंजा कसने जा रही है। दरअसल लखनऊ गाजियाबाद में बने हज हाउस के निर्माण की योगी सरकार जांच कराएगी। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद आजम खान की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। दरअसल यूपी सरकार ने बतौर मंत्री आजम खान के कार्यकाल में बने अल्पसंख्यक विभाग में हुए कामों की जाँच कराने का फैसला किया है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के द्वारा बनवाए गए गाजियाबाद और लखनऊ हज हाउस के निर्माण की जांच कराएगी। सूत्रों के मुताबिक इन निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां हुई थी और जांच में इसका खुलासा किया जाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद आजम खान की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। दरअसल यूपी सरकार ने बतौर मंत्री आजम खान के कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग में हुए कामों की जांच कराने का फैसला किया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पीएम जन कल्याण योजना के तहत अल्पसंख्यक विभाग में कराए गए कामों की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार को पता चला कि इस विभाग में गड़बड़ियां हुई थी, जिसके चलते जांच कराने का फैसला किया है। सरकार की इस घोषणा के बाद आजम खान मुश्किल में पड़ सकती हैं। इस विशेष जांच में लखनऊ और गाजियाबाद में हज हाउस के निर्माण की भी जांच कराई जाएगी। बता दें कि इसी साल फरवरी में प्रशासन ने गाजियाबाद में बने हज हाउस को एनजीटी के आदेश पर सील कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, इस वजह से इससे निकलने वाला पानी हिंडन नदी के पानी को गंदा कर रहा था। इससे पहले आपको बता दें, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगस्त महीने के आखिरी दिनों में आजम खान के हमसफर रिसोर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सपा सांसद 15 दिनों के अंदर स्वयं अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दें, नहीं तो इसको हमें करना पड़ेगा।